दोस्तों, आपका हमारे चैनल आज से टिफिन में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड रंग का बटन नजर आएगा स्क्रीन पे, जहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस हिंदी में लेके आता रहता हूँ, जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, तो चलिए आज मेरा जैसा टॉपिक है कि कैसे कोई भी MP3 में अपनी फोटो को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसा देखिए इसमें कुछ जैसे आप देख रहे हैं, ये MP3 में प्ले करता हूँ, यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, देखिए ये बस जैसा देख रहे हैं इसमें कोई इमेज नहीं शो कर रही है, कोई इमेज नहीं शो कर रही है, ये सिंपल MP3 फाइल है। और चलिए एक मैं MP3 और प्ले करके दिखाऊँ, जैसा ये भी मेरा एक MP3 फाइल है, ऑडियो फाइल, इसे ओपन करूंगा, देखिए इसमें एक इमेज शो कर रहा है, जैसे देखिए इसमें इमेज शो कर रहा है। इसी तरह अपनी भी आप इमेज कैसे कोई भी ऑडियो फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल है कि कैसे कोई भी MP3 ऑडियो फाइल में अपनी खुद की इमेज कैसे ऐड करें। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको एक MP3 टैग सॉफ्टवेयर चाहिए, जो MP3 टैग नाम से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। MP3 फाइल चाहिए, ऑडियो फाइल जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और एक फोटो चाहिए जिसे आप अपने MP3 टैग मतलब फोटो में ऐड करना हो। कोई फोटो चाहे, कोई फोटो जो आपकी ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फोटो चलेगी। अब कोई फोटो ऐड करना होगा आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। बस आपको ये तीन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, MP3 फाइल चाहिए और फोटो चाहिए जिसे आप ऐड करना चाहते हैं MP3 फाइल में। तो चलिए ये सॉफ्टवेयर कैसे आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे, तो जिसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करूंगा गूगल। गूगल पर आपको सर्च मारना है MP3 टैग, जैसा मैंने सर्च मार रखा है। उसके बाद आपको MP3 टैग डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने में आपको डाउनलोड पर ऑप्शन जैसा है आप देख रहे हैं, इस पर आ जाएंगे। क्लिक करने के बाद कर्सर करते हुए नीचे आना है, यहाँ पर देख रहे हैं MP3 टैग, इसके यहाँ पे इसे क्लिक करके आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर लें। मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख चुके हैं। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ओके, नेक्स्ट, आई एग्री, टिक कर देंगे दोनों को, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि बहुत कम MB की फाइल है, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। जैसा देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुकी है फाइल, रन भी कर रही है, मैंने इसे ओपन भी कर लिया। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का नजर आएगा जैसा आप देख रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे आप कोई फाइल में अपनी इमेज कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कोई भी फाइल में अपनी इमेज डालें MP3 फाइल में। चाहे तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं ऐड डायरेक्टली, नहीं तो आप छोटा कर लूंगा, उसके बाद जो मेरा MP3 फाइल है इसे मैं ओपन कर लूंगा राइट क्लिक करके। जैसा ये ओपन हो चुका है, इसे साइड में कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इससे आगे आप क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा प्लेलिस्ट में साइड में रख लिया, जो सॉफ्टवेयर MP टैग उसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। उसके बाद जो भी MP3 फाइल है इसे यहाँ से उठाना है, उठा कर जाके यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे मैंने एक फाइल पे रखा, ये सब आप कितने फाइल के भी उठा के एक साथ बहुत सारे फाइल को भी ऐसे उठा के आप आसानी से यहाँ जाके रख सकते हैं। मैं अभी नहीं रख, जैसा मैं रख दिया, ठीक है। अब इसमें जो भी फाइल को आपको करना है, जिसमें आपको इमेज डालनी है, उसे आप यहाँ पर क्लिक कर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट हो गया, जैसा आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मैंने क्लिक किया वो यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद नीचे आइएगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना, जाके जैसा सीडी, एक सीडी जैसा और सीडी टाइप का ऐड कवर पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा होगा फोटोज, तो डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे JPG फाइल में है, इस पर क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स। सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, इस पर आके आप सेव कर दें। सेव करने के बाद ओके कर, जैसा देख रहे हैं यहाँ पर जो सॉन्ग था मेरा
अब इसमें फोटो आ चुका है। इसी तरह आप एक बार में पूरी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेम प्रोसेस करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, ऐड कवर करना है, ऐड कवर के बाद जो भी फोटो आपका जहाँ पर है वहाँ सेलेक्ट करके इसे ओपन कर देना है। इसी तरह आप सारी में कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, तो फिर यस कर देना है। करने के सारी फोटो हो गई है, मैंने जो जो फोटो को सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे हो चुकी है। चलिए यहाँ पे क्लिक करके दिखाते हैं आप तरह देख रहे हैं। देखिए जैसा देख रहे हैं, इस तरह आप आसानी से किसी भी फाइल में अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स, एक लाइक का बटन जरूर ठोक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके, उन्हें भी इस ट्रिक का नॉलेज हो सके। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।